एह आकाशवाणी दा जम्मू केंद्र ऐ। संझा खबरें च तुंदा स्वागत। पहले मुख मुख खबरें कन्नै मैं पूनम डोगरा। समूलचा मुल्ख अज्ज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना करदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा चाढ़ेआ ते राष्ट्र गी संबोधित कीता। उनें आखेआ जे भ्रष्टाचार ते परिवारवाद जनेही बुराई गी हराने लई पूरे मुल्ख गी किट्ठा होना लोड़चदा ऐ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें श्रीनगर च राष्ट्रीय झंडा चाढ़ेआ। उनें आखेआ जे घाटी च युवाएं दे सुखने ते आसे तांगे गी पूरा करने लई जिमी तैयार कीती जा करदी ऐ। जम्मू संभाग च पूरे जोशो खरोश कन्नै आजादी दा ध्याड़ा मनाया गया। राजीव राय भटनागर होरें मौलाना आजाद स्टेडियम च राष्ट्रीय झंडा चाढ़ेआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाइयै शहीदें गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती। खबरें दी तफसील कन्नै विजय बजाज। समूलचा मुल्ख अज्ज 76वां स्वतंत्रता ध्याड़ा मना'रदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें लाल किले पर तिरंगा झंडा चाढ़ियै स्वतंत्रता दिवस दे समारोह मनाने च राष्ट्र दी अगुवाई कीती। इस मौके वायु सेना दे बैंड ने राष्ट्रगान बजाया ते 87-11 फील्ड बैटरी पासेआ 21 तोपें दी सलामी दित्ती गेई। अपने भाषण च प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे एह् ध्याड़ा छड़ा भारत च गै नेईं सगुआं दुनिया दे कोने कोने च मनाया जा करदा ऐ। इसी इक इतिहासिक ध्याड़ा करार दिंदे होई प्रधानमंत्री होरें आखेआ, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री होरें इस मौके महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ B.R. अम्बेडकर ते विनायक दामोदर सावरकर हुंदे जनेह महान नेताएं का आभार जताया। उन्हें आखिया, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है और उसी का परिणाम है हमने क्या कुछ नहीं झेला। कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता आशा निराशा न जाने कितने पड़ाव आए हैं, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ पा रहा। श्री मोदी होरें आखेआ जे बरोबरी भारत दी तरक्की दी बुनियाद ऐ ते सब्भनें भारतवासियें गी राष्ट्र गी सब्भनें शा उप्पर रखने दे मंत्र तैह्त इकजुट होना लोड़चदा ऐ। उनें जोर देइयै आखेआ जे भारत दे विकास लई महिलाएं दा मान सम्मान इक महत्वपूर्ण थम्म आला लेखा ऐ। उनें नारी शक्ति गी समर्थन ते सहयोग देने दी जरूरतै पर जोर पाया। उनें आखेआ, यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, जलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइदिनलियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, बेलून नित्यार, भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। श्री मोदी होरें आखेआ जे आत्मनिर्भर भारत इक जन आंदोलन ऐ ते इसी अग्गें बधाया जाना लोड़चदा ऐ। उनें लोकें गी गुजारिश कीती जे ओह् स्वदेशी से स्वराज ते स्वराज से सुराज दे श्री अरबिंदो हुंदे मंत्र दा पालन करन। मोदी होरें आखेआ, 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात एक आवाज उसे नई प्रेरणा ताकत नहीं दी। प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे भ्रष्टाचार ते परिवारवाद जनेही बुराइयें गी हराने आस्तै पूरे राष्ट्र गी किट्ठा होई जाना लोड़चदा ऐ। उनें आखेआ जे भ्रष्टाचार खिलाफ पूरे जोर कन्नै लड़ाई लड़े जाने दी लोड़ ऐ। उनें आखेआ जे पिछले 8 बरें च आधार,
सिद्धे लाह मुंतकिल करने सरबंधी डीबीटी प्रणाली ते मोबाइल दा इस्तेमाल 2 लाख करोड़ रपए दे काले धन दा पता लाने आस्ते कीता गया है। उन्हें आखिया, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रूपये जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है, हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। आजादी दे ध्याड़े पर अज राष्ट्र की संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी होरें जोर देइयै आखिया जे न्यू इंडिया दे विकास लई पूरे देशा दा समग्र विकास होना लोड़चदा है। उन्हें आखिया जे गांधी जी हुंदे विचारे मुजब काम करदी होई केंद्र सरकार देशा दे हर कोने च रौहने आले लोकें, भावें ओ दलित होन, महिला होन, करसान होन जां दिव्यांग होन, उंदे सशक्तिकरण आस्ते काम करारदी है। उन्हें आखिया जे कुसै भी राष्ट्र लई आसां मेदां रखने आला समाज बड़ा महत्वपूर्ण हुंदा है। मोदी होरें इब्बी आखिया जे आजादी दे इस अमृत काल आले समें ने उनेंगी एह मौका दित्ता जे ओह आसां मेदां रखने आले समाज दे सुखने ते मेदें गी पूरा करन। उनें आखिया जे हर घर तिरंगा अभियान ने एह मिसाल पेश कीती है जे किस चाली समूलचा मुल्ख तिरंगे दे सम्मान च इकजुट होई गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च स्वतंत्रता दिवस का मुक्ख समारोह श्रीनगर च होया, जिथे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें तिरंगा झंडा चाढ़िया। इस मौके किट्ठ अग्गे भाषण दिंदे होई सिन्हा होरें पिछले किश बरें दौरान जम्मू कश्मीर च होआ करदे विकास बाद्दे की सराहना की। उनें समूलचे मुल्ख ते जम्मू कश्मीर की विकास बाद्दे की बत्तै पर तेजिया कन्नै अगड़ा बधाने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा धन्नवाद कीता। जम्मू कश्मीर शा दफा 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए सिन्हा होरें आखिया जे प्रधानमंत्री मोदी होरें 3 बरें पहले आर्थिक ते समाजी विकास की लो बाली ही ते जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस अवधि दौरान खरी मती कामयाबियां ते उपलब्धियां हासिल कीतियां न। उन्हें गलाया जे कई चुनौतियों के बावजूद जम्मू कश्मीर ने पिछले माली बरे दौरान 5 गुणा रफ्तार कन्ने काम करते हुए 50,726 प्रोजेक्ट सबूरे किए न। इसी नमी आसें तांगें ते सुखने दा एक नमा दौर करार दिंदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आखिया जे केंद्र शासित प्रदेश इतिहास रचते होई हर खेत्र च शानदार कारकरदगी दस्सा करदा है। जम्मू कश्मीर च युवाएं दे कल्याण लई कीते गेदे जतने बारे बोलदे होई सेना होरें आखिया जे घाटी च युवाएं दे सुखने ते आसें तांगें गी पूरा करने लई 21वीं सदी दी जिमी तैयार कीती जा रही है। अपने संबोधन च लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें ऐलान कीता जे उंदा प्रशासन हर बरे 5 अगस्त गी घाटी च भ्रष्टाचार थमां आजादी दे ध्याड़े दे तौरा पर मनाग। उनें इब्बी आखिया जे भ्रष्टाचार दे खिलाफ अभियान बरोबर जारी रखे जांगन। समूलचे मुल्ख आला लेखा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्रता दिवस दे रंगें च रंगोए दा है। आकाशवाणी जम्मू दे संवाददाता मुजब भारी बरखें दे चलदे समूलचे प्रदेश च सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे हे तां जे स्वतंत्रता दिवस आले समारोहें गी रमानदारी ते व्यवस्थित तरीके कन्नै तोड़ चाढ़िया जाई सकै। जम्मू संभाग च स्वतंत्रता दिवस दा मुक्ख समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम च लग्गा, जित्थे लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार राजीव राय भटनागर होरें मुक्ख परौहने दे तौर उप्पर राष्ट्री झंडा चाढ़िया ते किट्ठ अग्गे भाषण भी दित्ता। जम्मू संभाग दे सब्भने जिलें च भी स्वतंत्रता दिवस दे कार्यक्रम आयोजित होए। खराब मौसम दे बावजूद लोकें बड़े जोश ते जज्बे कन्नै इनें कार्यक्रमें च हिस्सा लैता। सब्भने सियासी पार्टियें पासेआ भी स्वतंत्रता दिवस दे मौके पर कार्यक्रम आयोजित कीते गे। इस्सै चाल्ली पुलस, फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ ते होरने सुरक्षा बलें अपने अपने हैडक्वार्टरें पर ते कब्जा रेखा सने अंतर्राष्ट्रीय बन्ने पर भी खास कार्यक्रम आयोजित करवाइयै तिरंगा झंडा चाढ़िया। उधमपुर जिले च भी मुल्ख दे बाकी हिस्सें आला लेखा भारत दी आजादी दा जश्न देशभक्ति ते जोश कन्नै मनाया गया। मुक्ख कार्यक्रम उधमपुर दे गौरमेंट डिग्री कॉलेज च होआ, जित्थे डीडीसी उधमपुर लाल चंद होरें तिरंगा झंडा चाढ़िया। इस मौके बोलदे होई उन्हें आखिया, जम्मू कश्मीर विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस समय जिला उधमपुर में एक साथ कई विकास परियोजनाएं पर काम चल रहा है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मानतलाई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, डिग्री कॉलेज, जल जीवन मिशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन मांड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के आम जनता के लिए कई जरूरी पहल की है। रियासी जिले च भी जिला विकास काउंसल दे प्रधान सराफ सिंह नाग होरें रियासी दे जनरल जोरावर सिंह खेड मैदान च 76वें स्वतंत्रता दिवस दे मौके पर तिरंगा झंडा चाढ़िया। उन्हें आखिया, बीते 75 वर्षों में पीढ़ियां बदली हैं,
आजादी के अनेक नायक हमारी हर पीढ़ी के नमन का हिस्सा बने हैं। जिलावासियों, देश को ये स्वाधीनता बिना कठिन परिश्रम व बलिदान के अर्जित नहीं हुई है, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की आगोश में लिपटी हर कहानी से पहले आजादी के दीवानों का, अमर शहीद बलिदानों का स्मरण जरूरी है। कठुआ च भी आजादी के 75 बरे पूरे होने का जश्न बड़े उत्साह ते देश प्रेम कन्ने मनाया गया। डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह और इस मौके प्रमुख परौहणे हे, जिन्हें कठुआ के खेड मैदान च तिरंगा झंडा चाढ़िया ते लोकें गी आजादी के 75 बरे पूरे होने की मुबारकबाद दित्ती। इस मौके बोलते हुए उन्हें आख्या, आज के इस पावन पर्व पर हम सभी उन हजारों लाखों देशभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और बहादुर सैनिकों को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने भारत माता की आजादी और संप्रभुता के लिए अपना वर्तमान त्याग कर हमें और हमारी पीढ़ियों को आजादी का सूरज दिखाया। हमें यह हमेशा याद रहना चाहिए कि हम रात को चैन की नींद जब ले रहे होते हैं, हमारे बहादुर सैनिक व सुरक्षा कर्मी हमारी रक्षा में तैनात होते हैं। सांबा जिले च भी भारत की आजादी के 75 बरे पूरे होने का जश्न बड़े जोश ते जज्बे कन्ने मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा च हुआ, जिथे डीडीसी सांबा केशव दत्त होरें झंडा फहराया ते सलामी लैती। इस मौके पर विद्यार्थियों रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस मौके पर बोलते हुए डीडीसी होरें आख्या, सांबा के मेरे प्यारे निवासियों, स्वास्थ्य क्षेत्र में सांबा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% गोल्डन कार्ड पंजीकरण हासिल किया है तथा जिला सांबा अस्पताल का अतिरिक्त ब्लॉक जो बन रहा है वो भी बहुत बड़ी लागत से बहुत थोड़े दिनों में तैयार होने की कगार पर है। इसी के साथ जन औषधि योजना के माध्यम से गरीबों को और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दवाई प्रदान की जा रही है और जिला में अब तक 73 से अधिक स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। आकाशवाणी जम्मू च भी अज 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े जोशो खरोश कन्ने मनाया गया। आकाशवाणी जम्मू दे उप महानिदेशक राजेश कुमार होरें राष्ट्रीय झंडा चाढ़िया। आकाशवाणी जम्मू दे सब्बे अधिकारी ते कर्मचारी भी इस मौके मौजूद रहे। तुआई स्वतंत्रता दिवस दे सरबंधे च अज आकाशवाणी जम्मू च रुख बूटे लाने सरबंधी कार्यक्रम दा भी सरिस्ता कीता गया। सोशल फॉरेस्ट्री विभाग दे सहयोग कन्ने करवाए गए इस कार्यक्रम च आकाशवाणी जम्मू दे उप महानिदेशक राजेश कुमार ते सोशल फॉरेस्ट्री विभाग दे रेंज अधिकारी दिनेश जोशी हुंदे सने होरने अधिकारियों कर्मचारियों भी हिस्सा लैता। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे हो। हुण बाकी दियां खबरें कन्ने पूनम डोगरा। भारी बरखा दे बश्कार भी पुंछ जिले च 76वें स्वतंत्रता दिवस दा जश्न बड़े जोश ते देशभक्ति दी भावना कन्ने मनाया गया। कार्यक्रम जिला हैडक्वार्टर सब डिवीजनें ब्लाक ते तहसीलें च होए। मुख कार्यक्रम पुंछ दे खेड मैदान च होआ, जिथे डीडीसी चेयरपर्सन तजीम अख्तर होरें झंडा चाढ़िया ते परेड की सलामी लेती। इस मौके पर बोलदे होए उन्हें आख्या, गुजश्ता वर्ष के दौरान जिस टैक्स बजट के तहत 1434 काम करने मकसूद थे, जबकि साल के इख्तिताम तक 1434 काम मुकम्मल किए गए। सालाना के दौरान जिला पुंछ में टैक्स बजट के तहत 1924.36 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल हुई है, जिसके तहत मंजूरशुदा स्कीमों पर अमल आवरी जारी है। डोडा च भी स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश कन्ने मनाया गया। तिरंगा झंडा डोडा दे सबने सब डिवीजनें ब्लॉक ते पंचायत हैडक्वार्टरें सने सबने सरकारी दफ्तरें ते स्कूलें च फहराया गया। जिले च सुरक्षा दे सख्त बंदोबस्त कीते गए हे। मुख्य कार्यक्रम डोडा दे स्पोर्ट्स स्टेडियम च होआ, जिथे जिला विकास कौंसल दे प्रधान धनेंद्र सिंह होरें झंडा चाढ़िया ते सलामी लैती। रजौरी जिले च भी अज आजादी दे 76 बरे दा जश्न बड़े जोश कन्ने मनाया गया। जिला विकास कौंसल दे प्रधान नसीम लियाकत होरें रजौरी दे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ग्राउंड च तिरंगा झंडा चाढ़िया। इस मौके उप्पर डीसी रजौरी विकास कुंडल, डीआईजी रजौरी पुंछ पुलिस रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ते एसएसपी रजौरी मोहम्मद असलम होर भी उत्थे मौजूद हे। रामबन दे जिला पुलिस लाइन च भारत की आजादी के 75 बरे पूरे होने का जश्न बड़ी बरखा पौने के बावजूद भी बड़े उत्साह कन्ने मनाया गया। इस मौके उपर जिला विकास कौंसल के प्रधान डॉक्टर शमशाद शान होरें राष्ट्रीय ध्वज फहराया ते परेड की सलामी लैती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें अज नवीं दिल्ली च राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाइए 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदें की श्रद्धांजलि अर्पित कीती।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, रक्षा सचिव अजय कुमार और भी इस मौके पर उत्थे मौजूद हे। इस बेले दा ए बुलेटिन समाप्त हुआ।